गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा होमगार्ड के 74वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रतिभा कभी भी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी निखर कर सामने आती है। उन्होंने कहा, होमगार्ड के जवानों ने विपदा में हमेशा अपने प्राणों की बाजी लगाकर दूसरों के प्राणों की रक्षा की है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, होमगार्ड जवान पद में छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनके कार्य उत्कृष्ट हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनका निरंतर कार्य करते रहना उनके बड़प्पन को प्रदर्शित करता है। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को याद करते हुए कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जवानों का कार्य व्यवहार वंदनीय और अनुकरणीय है। प्रदेश की सरकार होमगार्ड के जवानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा, होमगार्ड के जवानों के कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों के प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कृत किया और कहा कि इन छात्र छात्राओं ने 96% तक अंक लाकर साबित कर दिया कि वे विकास के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं और ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। मेरे मन को बहुत अच्छा लगा जब होमगार्ड के जवान के बच्चों को पुरस्कार दिया। मन आह्लादित हुआ और प्रसन्न चित भी हुआ। 96% तक मार्क है हमारे बच्चों के होमगार्ड के, जो इस बात का द्योतक है कि प्रतिभाएं किसी प्रतिबंध की, प्रतिभाएं संपन्नता की मोहताज नहीं होती और ना ही प्रतिभाएं महलों में पैदा होती है। माँ सरस्वती की कृपा हो और गृहदशा ठीक हो तो बहुत आगे जाएंगे हमारे बच्चे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।